राहुल गांधी के बेहद करीबी व पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर दर्ज मुकदमा वापस लेने और उनको रिहा करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने प्रवासी मजदूरों के लिए बसें दी, लेकिन सरकार ने लेने से मना कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में देश में पलायन हुआ है, सरकार का लॉकडाउन का फैसला करने का सही समय नहीं था। बिल्कुल, ये जो फैसला लिया है अचानक लॉकडाउन का, मैं समझता हूँ जहाँ सिर्फ चंद घंटे के अंदर लॉकडाउन लागू कर दिया गया, ये इस सरकार की सबसे बड़ी भूल है, चूक है कि इन्होंने, इस सरकार ने इतनी बड़ी जनसंख्या जो प्रवासी हैं उनके बारे में बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाया और इसी कारण जो लॉकडाउन का उद्देश्य था वो पूरी तरह विफल हो गया। हमारे भाई बहन जो बाहर रहते हैं, उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी संख्या है, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपना जीवन व्यापन करते हैं, उन्हें मजबूर होना पड़ा अपने घर लौटने को और उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। सबने पूरे देश में देखा, आजादी के बाद इतना बड़ा पलायन कभी हुआ नहीं और ये सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो लोग उनकी सेवा में थोड़ा बहुत सहायता का हाथ बढ़ाया, चाहे प्रियंका जी की ने बसों के लिए आवेदन जो कहा सरकार से कि मदद ले लो, हमारे खान पीन के लिए लोगों की सहायता के लिए जो कैंप लगे, ये देखते हुए ये सरकार घबरा गई और इसने ऐसा रवैया अपनाया षड्यंत्र का कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को इन्होंने गिरफ्तार कर दिया, इनकी नाकामी छुप सके, मुद्दा बदल सके। मगर पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमे लगे हैं और कांग्रेस पार्टी अपने उद्देश्य में, सेवा में पीछे नहीं हटने वाली। ये सरकार को जवाब देना होगा, जवाबदेही लेनी होगी कि इतनी बड़ी मानसिक प्रताड़ना उन लोगों की हुई है जो हम कभी वापस नहीं कर सकते। शारीरिक प्रताड़ना वो भी आप सबने देखा, नंगे पैर बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग किलोमीटरों चल के आए, कम से कम ये सरकार उनके सहायता के लिए, उनके घाव पे मरहम लगाने के लिए उनको तुरंत डायरेक्ट ट्रांसफर से उनके लिए धनराशि उनके लिए मुहैया कराए ताकि उनको थोड़ी सहायता मिल सके अपना जीवन व्यापन करने के लिए, हाँ वो अपने गांव में पहुंचे। मगर